सामने के दोस्तों, मैं हूँ आपको होस्ट इमरान खान और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों हम मौजूद हैं आयशा मंजिल पे, यहाँ पे अफ्तार आम के नाम से एक सेटअप इन्होंने कुछ दोस्तों ने अरेंज किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हैं सजाद भाई, ठीक है? सजाद भाई, पहले तो इस अफ्तार जो आपने अफ्तार आम का नाम से एक प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, तो ये क्या सोच की और कितने लोगों ने ये स्टार्ट किया है इसको? ये हमने सात साल पहले एक टेबल से जो है वो इतना बड़ा दस्तखान कर ली, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि भाई कराची वालों की महरूमियाँ क्या हैं। जब हमें मालूम हुआ कि कराची वालों की महरूमियाँ इतनी है कि वो एक डिश भी नहीं खा सकते, तो हमने इसका जो लेवल है उसको हमने बढ़ाते गए। पिछले साल में हम अफ्तारी करा रहे थे, उसका मकसद ये था कि जो लोग पूरे साल अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं वो रमज़ान के दोपहर अच्छा खाना खा लें, यानी रमज़ान के ना सब्जी खा लें, मंदी खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, ब्रोच खा लें, क्योंकि आम मिडिल क्लास की जो एक हैसियत है या जो एक यानी उसके ना अब वो सकत ही नहीं कि वो जो है वो 1800 रुपये का 2000 रुपये का थाल जो है वो मंदी का खरीद सकता होगा, या उसके चार बच्चे होंगे तो उसको अच्छा खाना खिला सकता होगा। तो हम तो उसकी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो कितने सालों से ये अपने ये सेटअप किया? ये गुजरात 7 साल में हम जो है अफ्तार आम का एहतमाम कर रहे हैं, मगर इस साल जो है वो हमने ऐसे खाने किए मगर बहुत कम किए। उसका रीज़न ये यहाँ पे हम जो चार रमज़ान से यहाँ पे एक रश था ना, वो हम संभाल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि फैमिली आपके सामने की कितनी आ रही है यहाँ पे, और हम लोग कोई क्वांटिटी नहीं बताते इसके अंदर कि हमारे दस्तखान में इतने सारे लोग आगे बैठ के अफ्तार कर रहे हैं क्योंकि फिर एक जंग शुरू हो जाती है। नहीं, फिर उसका ये होता है कि नहीं हमारे दस्तखान में इतने लोग आ रहे हैं, हमारे हमने ये आज तक नहीं बताया, मगर आपके सामने कि भाई किसी दस्तखान के ऊपर फैमिली एरिया अगर है तो मुझे दिखाएं। ये कराची का भाई दस्तखान होगा जहाँ पर फैमिली एरिया बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। अच्छा सजाद भाई, प्लीज़ एक काइंडली यहाँ के एक दफ़ा मुझे फाइनली फिर से अपना यहाँ का एड्रेस भी बता देगा। ये मेन आयशा मंजिल चौरंगी शाहरा पाकिस्तान आखन वुमेन हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने हम अफ्तार आम का एहतमाम कर रहे हैं, और आयशा मंजिल चौरंगी जब वॉर्डर बम चौरंगी से पहले पड़ती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो गए फैमिली का, या नाजिन यहाँ पे फैमिली के भी अरेंजमेंट है और यहाँ पे जेंट्स के लिए भी। तो सजाद भाई हमें क्या दिखा रहे हैं अभी आप आए दस्तखान देखें? आइए चलते हैं जी। सजाद भाई जेंट्स कह रहे हैं लोग आगे बढ़ने शुरू हैं, अभी इनको जो है वो पानी की जो है तकसीम की जा रही है, ठीक है। वहाँ पे जो हमारे सारे कैटरिंग यहाँ पे थाल बन रहे हैं, थालों की क्वांटिटी आप देख लें कितनी है, उससे अंदाजा हो जाएगा कितने लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। वैसे कितने लोगों का अरेंज है? वैसे यहाँ पे 4000 लोगों का खाना है, 4000 लोगों का अच्छा होता है, इसके अंदर हमारे 3 पकवान जो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो सबने डोनेट किया हुआ? हाँ, वो हमारे लोग फिक्स हैं जो हमें। आइए अंदर चलते, तारीफ में क्या क्या दे रहे हैं आप? आज जो है वो मेमनी अकनी पुलाव है, और ये जो है ये आज की डिश है। ये आमतौर पे लोग जो है ना वो नहीं खाते हैं, बिरयानी तो खा लेते हैं, अकनी वगैरह नहीं खाते, तो हमने चेंज करा हुआ है। अच्छा अफ्तार में क्या क्या दे रहे हैं आप थोड़ा सा? अभी सिर्फ आज जो वो सिर्फ जो है वो खाना है डायरेक्ट, क्योंकि अभी जो हमारी प्लानिंग चली 27 रमज़ान की, जो हमें पाकिस्तान के नाम से हम जो है वो उसको मना रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हम लोग बहुत सारे अहतमाम करेंगे, तो अभी जो वो आजकल जो है सिर्फ डायरेक्ट खाना चल रहा है, डायरेक्टली खाना ही होगा, डायरेक्ट खाना चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये हमारा फैमिली एरिया है, देखिए यहाँ पे फैमिली आके बैठ के खा रही है, जो लोग ये सवाल कर रहे थे ना सफेद पूछो खिलाओ, तो ये फैमिली आके बैठी है कौन है? दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।